नमस्कार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। तो लीजिए, आपके सामने पेश है नाटक भरत का अंतर्द्वंद। Thank you.
भारत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भारत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भारत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भारत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूर्ण हुई। भारत ने जीत लिए छह खंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई। सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें और हां
बाहुबली के पास किसे भेज रहे हैं? उनका विशेष ध्यान रखना है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। युवराज, बाहुबली के पास मैं स्वयं जा रहा हूं महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उनके मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। ठीक है, जाइए, शीघ्र जाइए और शुभ समाचार लेकर लौटिए। भाइयों के बिना अब ये दरबार शोभित नहीं होगा। भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, भाई बिना दरबार कभी भी शोभित होगा नहीं, आज शोभित होगा नहीं, आज शोभित होगा नहीं, शोभित होगा ये दरबार जो भाई होंगे यही। भरत ने जीत लिए जयखंड यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा पूरी हुई, भरत ने जीत लिए जयखंड दिग्विजय यात्रा चलेंगे तो अद्भुत शोभा होगी। दूत, सर्वप्रथम तो ये कहो, भ्राता भरत सानंद तो है, साकुशल तो है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आती, उनका अपार वात्सल्य मैं कभी भूल नहीं पाता। हाँ महाराज, एकदम सत्य है। मुझे याद आते हैं बालपन के वे दिन जब हम वन उपवन में क्रीड़ा करते थे, वृक्षों से फल तोड़ते थे, जल क्रीड़ा में एक दूसरे के ऊपर जल की बौछारें करते थे, और खेल खेल में जब कभी चोट मुझे लगती थी तो दर्द उन्हें होता था, क्रीड़ा मुझे पहुंचती थी तो कराहा वे जाते, और जब कभी हार कर मैं रोने लगता था तो वे मुझे जिता देते थे और कहा करते थे, कहा करते थे, मेरा बाहु तो अजय, वो तो कभी हार ही नहीं सकता, पर मैं अपने भाई को हारता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। मैं हारूं यह तो उन्हें कभी बर्दाश्त ही नहीं होता था, आज उन्होंने छह खंड जीते, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। दूत, यह पाकर शुभ संदेश, हृदय मेरा उल्लसित अपार, खुशी के इस अवसर पर सब प्रेम उन्होंने मुझे किया है यार। अरे भरतेश हुए चक्रेश, बधाई देता सौ सौ बार, बधाई देता सौ सौ बार। आप तो हमारे साथ चले। हाँ महाराज, आप हमारे साथ चले। दक्षिणा, मेरा हृदय तो उनसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है, परंतु यह सहोदर का हृदय है, ये कहां जरा से मिलने से भरेगा, और वैसे भी अभी तो वे अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें राजमहल तो पहुंचने दो, तनिक विश्राम कर ले, फिर मैं विलंब आता हूं उन्हें बधाई देने के लिए। ये सब तो ठीक है महाराज, परंतु चक्ररथ अचानक रुक गया है। वो ये चाहता है कि आप सभी भाई नगर में एक साथ प्रवेश करें, जिससे सभी भाइयों का एक साथ स्वागत किया जा सके। हे बाहुबली महाराज, आपके बिना ये शोभा यात्रा सुशोभित नहीं होगी, और सम्राट भरतराज को भी अच्छा नहीं लगेगा। दक्षिणा, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण, तुम्हारे वाक चातुर्य की मैं कहां तक प्रशंसा कर, अपनी बात को इस तरीके से रखते हो कि उसमें कहीं कोई चूक न रहे। आखिर राजनीतिज्ञ भरत का अमात्य भी कुशल राजनीतिक ही होना चाहिए, कहीं ऐसी बात तो नहीं दक्षिणा? सम्राट भरत हमें भी अपने अधीन करना चाहते हो? नहीं
युवराज। उन्होंने आज तक किसी को अपने अधीन नहीं किया, सबको स्वाधीन बनाया, संबंधी बनाया है। आपसे तो उनको बहुत लगाव है, यदि कोई समस्या आएगी तो आप दोनों मिलकर निपटा लेना। दक्षिणा भाता भरत में मुझे तनिक भी शंका नहीं, परंतु प्रश्न चक्ररत्न का है। मैं तो स्वयं यही चाहता हूँ किसी भी प्रकार का कोई उत्पात न हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? जब तक आप दोनों भाई एक साथ हैं, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी में ऐसा साहस नहीं कि आपका सामना कर सके। आप तो हमारे साथ चले महाराज। हाँ महाराज, आप हमारे साथ चले। दूत, तुम जाओ और वहां पहुंचकर सर्वप्रथम भ्राता भरतराज को मेरा नमस्कार करो, और यहाँ पर जो कुछ भी जैसा भी घटित हुआ है वह विनय पूर्वक मर्यादा से भ्राता भरत से कह दो। यदि तुम्हारे स्वामी हमें युद्ध भूमि में बुला रहे हैं तो हम सेना सहित सुसज्जित होकर आते, वहां जो कुछ भी होगा हम वहीं समझ लें। यदि लड़ना भी पड़ा बंधु तो हम भी लड़ लें। जी महाराज। लड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा।
देखो जी मन बाहुबली भर माया, 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 देखो जी मन बाहुबली भर माया। हो लड़ना पड़ा तो लड़ भी लूंगा। बापू ने ऐसा कि तुम हमारे आपने जो कुछ भी उनसे कहा उसमें कुछ भी तो प्रतिकूल नहीं था। आपके भाव आपके व्यवहार सब कुछ अनुकूल थे। बापू ने ऐसा क्यों कहा कि वो सेना साथ लेकर आएगा? तो ये क्यों कहा कि अगर लड़ना पड़ा तो वो लड़ लेगा? ये बात हमारे चित्त को कुछ अच्छी नहीं लगी मामा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात कैसे नहीं है मामा? ऐसी बात कैसे नहीं? अरे बाहुबली तो स्वाभिमानी है, वो तो सर से लेकर पैर तक एक स्वाभिमान का पिंड है, वो तो हमेशा ही जीतता आया है। नहीं महाराज, आप मैं भाई
जगत में हो। नहीं, मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। मैं जगत में ये परिहास नहीं होने दूंगा। मैं भाई से भाई के लड़ने का इतिहास नहीं बनने दूंगा। Thank you.
सही कहा आपने, अब जो जीतेगा सो जीतेगा, किसी ना किसी का तो हारना जीतना होता ही रहता है, किंतु दोनों सेनाओं का विनाश तो होगा ही। अरे विनाश नहीं, विनाश होगा। हाँ गुरुकसन जी, हमें हार की आशंका तो नहीं है, पर अब तक 6 खंड जीतने में एक बूंद भी खून नहीं बहा। महाराज भरत की तीव्र इच्छा है कि युद्ध के दौरान एक भी बूंद खून नहीं बहना चाहिए। अंततः आप लोग कोई ऐसा उपाय निकालें कि जिससे ये युद्ध हो ही ना। दोनों भाई आपस में फैसला कर लें तो बहुत अच्छा है। हाँ महामंत्री जी, आपका कहना बिल्कुल ही ठीक है। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम दोनों भाइयों में खेल प्रतियोगिता करा दें तो जो जीता वही जीता। प्रतियोगिता ये क्या होता है? अरे रुको, मैं बताता हूँ। हम ये खेल प्रतियोगिता जल युद्ध, मल युद्ध और नेत युद्ध के रूप में भी तो कर सकते हैं। हाँ भाई, जब नेत्र युद्ध के बहाने दोनों भाई के नेत्र आपस में मिलेंगे तो इसने सहज ही उमड़ आएगा। और जब जल युद्ध के लिए दोनों के माथे पर ठंडा जल लगेगा तो माथा भी ठंडा होगा। और जब दोनों भाई मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे तब तो सारी समस्याएं सहज ही सुलझ जाएंगी। अरे भाई, तुम बात तो ठीक कहते हो, मगर ये बात दोनों भाइयों को स्वीकृत तो होनी चाहिए। तो भाई उसी के लिए हम प्रयास करने चलते हैं। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। अरे युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। युद्ध से होता नहीं कभी भी भला किसी का बाबा। अरे दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। दोनों सेना भिड़ी तो होगा तगड़ा खून खराबा। लेकिन युद्ध को टालने की दृष्टि से उन्होंने बात स्वीकार कर ली थी। क्या चक्रवर्ती भरत सम्राट को यह मंजूर होगा कि उनके भाई आपस में लड़े मरे? वे तो बस हमेशा अपने भाइयों के बीच प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद इन सब की ही कामना करते थे। वे तो बस यही चाहते थे
कि सभी भाई आपस में मिलजुल कर रहे। ठीक है महाराज, परंतु
पराजित नहीं होगा, जो भी होगा उसे हमें सहज भाव से स्वीकार करना। अरे चक्र का क्या, वो यहाँ जाए वहां जाए कहीं भी जाए, हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ अपनी आत्मा में जाने से मतलब। अब विलंब नहीं, हम बाहुबली की ओर प्रस्थान करते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ उनके सुनते हैं, कुछ अपने के, उनसे गले मिलेंगे, प्रेम भरी बातें करेंगे, कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ सुख दुख की बातें करेंगे, जैसा आपको उचित लगे महाराज। बाहू, तरिक मेरी ओर देखो बाहू। तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे निकट आओ भाई, मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे मन में अनेक विकल्प चल रहे, पर तुम उन विकल्पों को छोड़ दो। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे मुझे तुमसे लड़ना थोड़ी ही है, अभी तो मैं तो तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं। दादा, आपके हृदय के उस अपार प्रेम से हम भलीभांति परिचित हैं, आपके जीवन की उस मृदुता और सरलता को देखते हुए ही बड़े हूं, परंतु प्रश्न चक्र रत्न का है, जिसकी चित्त से यह संपूर्ण शक्ति तल भली भांति परिचित है। तुम क्या समझते हो बाहुबली, किस चक्र रत्न के कारण मैं अपने भाई से लड़ूंगा? अरे संपत्ति के लिए क्या किसी का वध करूंगा? नहीं, अरे हम तो उस अवधपुरी के लोग हैं जहां वध का नामो निशान भी नहीं। तुम नहीं जानते कि मेरी स्थिति विजय यात्रा में एक भी राजा का वध नहीं हुआ। अरे वध तो छोड़ो, रक्त की एक बूंद भी नहीं बनी। हाँ, पर क्या आप यह बात जानते हैं कि मुझे हराए बिना आप चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते? और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हारते हुए देख सकता हूं? नहीं बाबू, अरे तुम्हें हारते हुए देखना तो मेरे लिए और भी ज्यादा तकलीफ दे है। मैं हमेशा से तुम्हें जीतते हुए देखता आया हूं और मैं जानता हूं आज भी तुम ही जीतोगे, इसीलिए तो ये तीनों युद्ध स्वीकार किए हैं। मैं ये युद्ध स्वीकार करने से पहले ही मैं जानता था कि तुम ही जीतोगे। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, जब मैंने हार स्वीकार कर ली तो लड़ने की क्या बात है बाहू, हार मुझे स्वीकार, तुम ही जीतोगे, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। दादा, आप आज भी नहीं बदले, जैसे तब थे वैसे ही आज, बिना लड़े हार कर जीत लेने की आपकी अद्भुत कला आज भी अभिनंदनीय है। मेरे भाई, अरे मुझे ये जीत हार नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा भाई चाहिए। सुनो चक्र
चक्र चला दिया है। अरे भ्राता भरत ने बाहुबली के प्रति चक्र चलाया नहीं, अभी तो प्रेम और वात्सल्य भाव से चक्र को समर्पित किया है। नहीं भाई नहीं, चक्र तो कुटुंब जनों पर चलता ही नहीं, इसलिए उरक बाहुबली बच गए। क्या ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो? क्या ये बात भरत चक्रवर्ती सम्राट नहीं जानते थे कि चक्र रत्न कुटुंबी जनों पर वार नहीं करता? इसका तात्पर्य समझे? तात्पर्य सिर्फ सिर्फ इतना सा है कि भ्राता ने युवराज के लिए चक्र रत्न समर्पित किया है। चक्र रत्न समर्पित किया है। अच्छा, ये बात है? हाँ, यही तो बात है। देखो तो कितना प्रेम और वात्सल्य भरा दृश्य है। क्या ऐसा प्रेम, क्या ऐसी मैत्री किसी युद्ध में शोभा देती है? नहीं, क्या ऐसी मैत्री किसी युद्ध में दिखती है? नहीं, क्या प्रेम है, क्या वात्सल्य है? दोनों भाई आपस में गले लग रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरतराज की जय। सम्राट बाहुबली की जय। व्यर्थ ही हम
हमने उलझाया। नहीं भाऊ, नहीं मेरे भाई, तुमने मुझे उलझाया कहा है? अबे जो तुमने तो मुझे संकट से उबारा है, इस झंडे से बाहर निकाला है, तुम तो मेरे उपकारी हो, उपकारी हो। अब एक उपकार और करो भाई, इस राज्य को तुम ही संभालो, इस राज्य को तुम ही संभालो भाई, इस राज्य को तुम ही संभालो। नहीं भ्राता, मुझे इन सब में तनिक भी रस नहीं, और मुझसे उपकार नहीं अपराध हुआ है, जिसका मुझे पश्चाताप, अपने इस अपराध का प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी एक इच्छा है पूछ, आप उसे स्वीकार कीजिए। इच्छा? कैसी इच्छा? संकोच मत करो भाई, ये संकोच को तुम्हारी क्या इच्छा? दुख का घर सार संसार मुझे ना रच सुहाता है, मैं इसे छोड़ दूं अभी, मेरे मन में यह आता है, जगत का ऐसा अद्भुत रूप देख मैं यही सोचता हूं, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूं। जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। मैं अपने में जाना चाहता हूँ, समा जाना चाहता हूँ, रम जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भाई। तुम्हारे चरणों में लाके पटक दी, पर ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर बचाओ भाई, अरे मुझे छोड़कर बचाओ भाई, मुझे छोड़कर बचाओ। मुझसे मुंह मत मोड़ो भाई, क्या तुम इस संसार के समस्त कष्टों को सहने के लिए मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? नहीं, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। मेरा मन हमेशा इसी बात से डरा करता था कि कहीं तुम दीक्षा न ले, और आज तुम इसी की आज्ञा मुझसे मांग रहे। नहीं भाई, मैं तुम्हारा कुछ और सह नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर।
Thank you.
अनूठी दास्तान सुनी, तो कैसी लगी आपको ये अनूठी दास्तान? बहुत अच्छी। तो एक बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी से, इस इतनी बड़ी इस कहानी से, भरत बाहुबली के इस प्रेम और वात्सल्यमय कथानक से आपको क्या सीखने को मिला? गुरुजी मैं बताता हूँ,